के अंदर एक किसान सभा का आयोजन करने के लिए आए थे, तो हम रास्ते में हमने एक खेत देखा जिसमें अगली सोइंग है और इसमें फ्लोरिंग भी आई हुई है। तो जब हमने इसका विजिट किया तो यहाँ में देखने को मिला कि इस खेत के अंदर देखिए आप इस तरह के फूल काफी मात्रा में देखने को मिले। जब हमने इसको देखा तो ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, इस खेत के अंदर हमें गुलाबी सुंडी का अटैक देखने को मिला। ये अब जो अर्ली जिसमें अर्ली सोइंग हुई है या जिसके फ्लोरिंग दिखाई दे रही है, तो मेरा किसान साथी इसी निवेदन है कि वो अब खेतों में जाकर देखे। हमने भी जब विजिट किया तो क्योंकि ये आसपास में एक ऐसा खेत था जिसमें अर्ली सोइंग हो रही और फ्लोरिंग आई हुई है, तो आप जब भी हमने इसका इसके अंदर देखा तो हमने देखा कि कुछ फूल गुलाब की तरह ऊपर से मुड़े हुए थे। जब हमने उसको खोल कर देखा तो उसमें हमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने को मिला। मेरा किसान साथियों से निवेदन है कि आपके खेत में भी अगर इस तरह का कोई फूल देखने को मिले तो आप उनको चेक कीजिए, और ऐसी अगर गुलाबी सुंडी की समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। अगर ये हमारे खेत में आएगी तो जरूर ये फूल के अंदर मिलेगी, और बाद के अंदर जैसे ही हमारा टिंडा बनेगा, टिंडा बढ़ने के बाद ये उसको अंदर से बिनोड़ा खाएगी, तो जिससे ये टिंडा हमारा है कि वो अच्छी तरह से खिल नहीं पाएगा और बिल्कुल बुझ के रह जाएगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप देखें, और इसमें दो टेक्निकल आप यूज कर सकते हैं। एक तो जो परफोनोसाइपर के नाम से एक दवाई आती है उसको आप 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्पिनोट्रम के नाम से भी एक दवाई आती है जिसको आप 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई आपको इफको की भी मिलती है, तो आप जरूर इनका यूज करें। धन्यवाद। देखो ये इसी पौधे दूसरे फूल में, ये देखिए दूसरे फूल में, तो काफी अटैक लग रहा है। सभी किसान भाई ध्यान से सतर्क रहें और सुबह शाम अपने खेत को देखें। अगर ऐसी समस्या है तो समय पे आप उपचारित करें, उसको जो भी दवाई आपको बताई जा रही है, और साथ में खुराक ज़रूर दें ताकि पौधे पे कोई हार्ड दवाई डालते हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए। ये देखिए आपको सुंडी नज़र आएगी।